आती हूँ, आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आती है ये आती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप के पीछे ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये तो पिक्चर है, ये अपन ने ही लगाई होगी, तो इसको अपन बोलते हैं वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वॉलपेपर क्यों बोलते हैं, वॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी दीवार होती है उसको अपन बोलते हैं वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डेस्कटॉप की जो वॉलपेपर है, वॉल पर आपको कोई भी वॉलपेपर लगाना होता है उसको अपन डेस्कटॉप का वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। आपको इसको चेंज करना, चेंज करने के लिए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आपको चेंज करने के किसी भी खाली जगह में कहीं पर भी, डेस्कटॉप के ऊपर ही खाली जगह में आपको राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज। बाकी सभी जगह पर आप राइट क्लिक करते हैं कहीं पर भी, आपको हमेशा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनलाइज का ऑप्शन, ठीक है। आप पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शंस मिलते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो अभी अपन डेस्कटॉप बैकग्राउंड सीख रहे हैं, आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप मोबाइल में वॉलपेपर चेंज करते हैं या फिर कोई थीम चेंज करते हैं, आपका पूरा मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी थीम पूरी चेंज हो जाती है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो पहले से जो अभी अपना सेव है वो बता रहा है आपको, इस टाइप नहीं है, इस टाइप के लिए नहीं, आप सिलेक्ट कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे, देखिए इस टाइप की आने लगे, आप राइट क्लिक कर देंगे, फिर से हम पर्सनलाइज पर जा रहे हैं, इस टाइप का हमने सिलेक्ट किया, क्लोज कर दिया, देखिए इस टाइप की आने लगे, वो जो वॉलपेपर था वो हट गया। और अदर थीम्स लेनी है, इनमें से कोई सी लेनी है तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैक थीम है तो ये इस तरह से आ जाए, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लेनी, अपने अकॉर्डिंग कोई लेना है, तब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज पर जाओगे। पहले अपन इसको नॉर्मल कर लेते हैं, अगर आपने इधर से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन तीनों में से एक कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ से विंडोज सिलेक्ट कर दिया, देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। या फिर हमें पहले जैसा करना है तो आप यहाँ से इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, पहले जैसा हो रहा है आ जाएगा अपना। अब अपन को क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर इस पे बैकग्राउंड में लगानी है, और आप चाहते हैं कि जैसे अभी तो एक ही पिक्चर आ रही है, एक के बाद एक पिक्चर आती जाए थोड़ी थोड़ी देर में, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पर जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आने लगेंगे कि आप कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हो। अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं फोल्डर, आप सभी जानते हैं फोल्डर क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे डाउनलोड्स वाला फोल्डर सेलेक्ट है, इसलिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अपन यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको डाउनलोड्स, इसमें साइड में एक जो एरो बना हुआ दिख रहा है, ये क्या होता है, ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख रहे हैं आप बहुत सारे ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आप अलग अलग चूज कर सकते हैं, देखिए ठीक है, जिसमें जो भी होगा वो वहां पे आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ही पिक्चर्स हैं, ठीक है। आपको अपनी कोई सी पिक्चर लेकर आनी है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको हमने कॉपी और पेस्ट करना बताया ना, ठीक है। अगर आपके पास पहले से फोल्डर है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आप एक पिक्चर नहीं ले सकते, आपको पूरा फोल्डर ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव में है अपना फोल्डर, या फिर आपकी जो भी ड्राइव है, आप डी ड्राइव में भी, ई ड्राइव में, जिसमें भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन सी ड्राइव को आपको छोड़ना है। सी ड्राइव में आपका, आपको कोई भी डाटा सेव नहीं करना है, ना ही कोई फोल्डर बनाना है और ना ही कोई डाटा सेव करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना डाटा सुरक्षित नहीं रहता। वायरस आते हैं सबसे पहले सी ड्राइव में आते हैं, क्योंकि उसमें विंडो रहती है, और अगर वायरस आते हैं तो अपन को अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट होने की स्थिति में सी ड्राइव सबसे पहले फॉर्मेट होती है, मतलब सी ड्राइव ही फॉर्मेट होती है, बाकी ड्राइव्स आपकी रह भी सकती है, लेकिन सी ड्राइव को अपन को फॉर्मेट करना पड़ता है तो आपका डाटा जा सकता है, इसलिए आपको सी ड्राइव में कुछ भी नहीं करना। और ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं ये भी सी ड्राइव की मेमोरी लेते हैं, अगर आपकी सी ड्राइव फॉर्मेट होती है तो ये भी फॉर्मेट होंगे, ठीक है, इनके अंदर का जो भी डाटा है वो भी चला जाएगा, इसलिए आपको सी ड्राइव को छोड़कर अदर जो भी ड्राइव्स हैं आपके पास आप उनमें कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं डी ड्राइव में, यहाँ पे हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, या फिर आपको फोल्डर क्रिएट नहीं करना तो आप डायरेक्ट किसी अदर फोल्डर में भी जा सकते हैं। हम राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पर जा रहे हैं, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कहाँ करना है, खाली जगह में।
अगर आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो अलग ऑप्शन आएगा, न्यू का ऑप्शन नहीं आएगा। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से फोल्डर। हम इस फोल्डर को नाम दे देते हैं फोटो। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया फोटोज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ फोटो इसके अंदर रख लेते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, तीन चार फोटो हमें इसके अंदर रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फोटो सिलेक्ट करेंगे। ये वाला चाहिए हमें, तो कैसे लेकर जाएंगे उसमें, कंट्रोल सी के साथ से कॉपी कर लेंगे इसको, कंट्रोल के साथ सी, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक कर लो, या फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, इसको कॉपी करो, इसमें जाओ कंट्रोल प्लस भी, पेस्ट कर देंगे कंट्रोल प्लस भी, या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आ गई इसके अंदर, ठीक है, आ जाएगा इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन एक दो पिक्चर और लेकर आते हैं, अपन को बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी एफ ड्राइव के अंदर है वॉलपेपर्स, तो हम एफ ड्राइव में वॉलपेपर वाले में जा रहे हैं। आपको डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव के अंदर वॉलपेपर वाला फोल्डर मिल जाएगा नीचे सिस्टम में। ठीक है, अब हमें एक से ज्यादा पिक्चर्स एक साथ लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे। हाँ, हमें ये वाली पिक्चर, ये वाली और ये वाली और ये वाली, कुछ चार पांच पिक्चर लेकर जानी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम एक बार क्लिक कर रहे हैं तो एक बार में एक ही सिलेक्ट हो पा रही है। अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए सिलेक्ट हट गया। हम और कहीं क्लिक करेंगे तो इस पे से सिलेक्ट हट गया, और जो पिक्चर सिलेक्ट होगी हम उसको ही कॉपी कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एक पिक्चर पर, फिर कंट्रोल की को होल्ड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल की को दबाकर रखेंगे। अब इसके बाद देखिए हम क्लिक करते जा रहे हैं, सिलेक्ट होती जा रही, पहले नहीं हो पा रही थी, हमने कंट्रोल की को छोड़ दी। देखिए हट गई, ये सीटी वाला लिखा रहता है ना, ये होती है कंट्रोल की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर एक से ज्यादा कोई भी चीजें सिलेक्ट करनी है तब एक किसी को भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल की को दबा कर रखो, और यहाँ पर इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो। अब आपको कॉपी करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ से ही कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक कर दो, या फिर आप इसका कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ से बैक जाएंगे, कहाँ पे बनाया था फोल्डर, डी ड्राइव पे, डी ड्राइव में जा रहे हैं, और हमने किस नाम से बनाया था, फोटो नाम से बनाया था। अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, पी प्रेस करेंगे तब भी आ जाता है, डबल क्लिक करेंगे। अब हमें पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो आप, या फिर कंट्रोल के साथ भी दबा दोगे तब भी आ जाएगा। आ गए, अब आपको इसको वॉलपेपर बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पर जाएंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले वो फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे ब्राउज पर। ठीक है, ब्राउज पर जाएंगे, ब्राउज पे जाने के बाद क्या, किसके अंदर है वो फोल्डर, दिस पीसी के अंदर है, दिस पीसी के अंदर है ड्राइव, दिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया न्यू वॉल्यूम डी। अगर नहीं दिखता है तो आप इसको इस तरह से नीचे खिसका सकते हैं। डी पर क्लिक करेंगे तो डी के अंदर जितने भी फोल्डर है वो आ जाएंगे। क्या नाम दिया था अपन ने, फोटो, ये दिया था फोटो है, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। अब आपने ये देख रहे हैं आप सभी पिक्चर्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर आ गई। अब वो अपने अकॉर्डिंग रहती है कि अगर पिक्चर बड़ी है तो वो इस तरह से आएगी, अगर छोटी है तो वो बार बार भी आने लगेगी, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके आप चेंज नेक्स्ट बैकग्राउंड करेंगे तो ये देखिए चेंज हो रही है। और आप चाहते हैं ऑटोमेटिक चेंज होती रहे कुछ कुछ टाइम बाद, तब आप पर्सनलाइज पर ही जाएंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको टाइम का, चेंज पिक्चर एवरी, कितने टाइम बाद आपको चेंज करना है। यहाँ पर एक ये एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन एरो, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आपको सबसे कम इसमें मिलेगा 10 सेकेंड, और सबसे ज्यादा मिलेगा 1 डे। अगर आप 1 डे क्या करेंगे तो क्या होगा, हर एक दिन में चेंज होगी। आप 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या मिनट का देंगे, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे तो जितना टाइम आपने सेलेक्ट किया है उतने टाइम बाद एक पिक्चर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी।